गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम विद अंजू। दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरा मेकअप लुक देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल इसलिए है क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। बंगाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पश्चिमी यूपी में ये वाले नवरात्रे भी उसी तरीके से मनाए जाते हैं जैसे कि हम आश्विन के नवरात्रे करते हैं। तो उसके लिए मैंने किस तरह से एक ईची वीजी सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, चाहे आप इसको सप्तमी में करें, अष्टमी में करें, या किसी भी पूजा लुक में आप इसको इस तरीके से क्रिएट करते हैं, और बहुत ही जल्दी और झटपट होने वाला आज का ये मेकअप लुक है मेरा। तो ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट कैसे किया है, आई मेकअप भी बस एक से डेढ़ मिनट में मैंने कंप्लीट किया है, और ये मेकअप लुक आप मेरा आगे देखेंगे। और अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले अपने फेस को मैंने किया है टोनर, और टोनर मैंने किया है दोस्तों कुकुम्बर ग्लो टोनर, एक गुड वाइब्स का टोनर है, और मैंने इस समर के हिसाब से परचेज किया है। फेस पे अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, देन स्किन को अच्छे से नरिस करेगा, और मेकअप को भी बहुत देर तक स्टे करेगा। अब मैंने लगाई है मॉइस्चराइजर क्रीम, आप अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर लगाएं, और अच्छे से अपने फेस और नेक को मैंने इस तरीके से मॉइस्चराइज कर लिया है। फेस हमने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, डे लुक है तो SPF भी करना जरूरी है, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो। और ये वाला जो मेकअप लुक मैं आज कर रही हूँ दोस्तों, ये किसी भी नवरात्रों में, ये वाले नवरात्रे हो, आश्विन के नवरात्रे हो, सप्तमी अष्टमी, और किसी भी आप सीजन में नवरात्रों पूजा में या कहीं जा रहे हैं, कभी भी इस वाले लुक को आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने होठों पे लिप बाम, और अब मैं लगा कर रही हूँ अपने फेस को प्राइमर, क्योंकि इस सीजन से स्वेटिंग शुरू हो जाती है। एक तो हमारा प्राइमर से बेस काफ़ी देर तक सेट रहेगा, और देन स्वेटिंग जहाँ ज़्यादा होती है, इस टाइम टी जोन में ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो आप प्राइमर को पहले वहीं से अप्लाई करते हुए फिर इस तरीके से पूरे फेस पर अपने अच्छे से लगा लें। हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए भी ज़रूरी है, और मेकअप को बहुत देर तक स्टे करने के लिए भी ज़रूरी है। अब मैं कोई फाउंडेशन का बेस नहीं लगा रही हूँ दोस्तों, मैं लोटस हर्बल्स का वाइट ग्लो मैट लुक ऑल इन वन DD क्रीम, जिसमें SPF 20 भी है, क्योंकि ये बहुत ही मुझे सिंपल लुक रखना है, फटाफट करने वाला लुक है, इजी वीजी सा लुक है। तो सिर्फ आपको सिर्फ इसके एक से दो पर्ल जितने ड्रॉप लेने, मेरे हाथ से थोड़ा ज़्यादा निकल गया था, तो मुझे थोड़ा सा इसको लगाने में प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा अपने हाथ से ही थोड़ा कम कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लुक है, कोई बेस नहीं, सिंपल लुक है। और ये मैंने लगाया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और आप चाहे तो आप कंसीलर को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पूजा के टाइम नहीं है, तो आप ये वाला प्रोसेस बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और कंसीलर को मैंने अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से सेट कर लिया है। आपने देखा होगा जो मैंने डीडी क्रीम लगाई है, मैंने फिंगर की हेल्प से ही उसको मर्ज किया है, क्योंकि उसमें ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत है ही नहीं। और लेकिन कंसीलर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें ब्यूटी ब्लेंडर का बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको यूज करना। और आज के मेरे फेस पर कोई बेस ही नहीं है, बहुत लाइट बेस मैंने रखा है एक तरह से, बस डीडी क्रीम सिर्फ एक टोन आपके फेस को हल्का सा फेयर करेगी, कोई थुपा हुआ लुक नहीं देगी। अब मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ, ये कलर बार का मेरे पास पाउडर है, फेस पाउडर, उससे मैंने अपने फेस को सेट कर लिया। ये मैंने लिया है ब्यूटी क्लेज का आई शेडो पैलेट, और मैं फटाफट आई मेकअप लुक करने वाली हूँ। तो मैंने लिया है दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर, मैं बस दो ही कलर से ये आई मेकअप फटाफट सेट कर लूँगी, और क्रीज लाइन के ऊपर मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा फटाफट इस तरीके से मर्ज कर लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम फटाफट उसको मर्ज करते रहे। तो अब मैंने लिया है डार्क पिंक कलर, और मैं अपनी आईज के आउटर वी पे इसको इस तरीके से ब्लेंड करते हुए अच्छे से स्मज कर दूंगी, और उसी को मैंने क्रीज लाइन पे भी फैला लिया है, आप देख रहे हैं डार्क पिंक कलर को, क्योंकि मेरी साड़ी पिंक कलर की है, तो मैं पिंक आई मेकअप कर रही हूँ, वो भी बहुत लाइट, आप एक मिनट के अंदर ये आई मेकअप कर लेंगे। बस हल्का सा मैंने ब्राउन कलर लगाया है, और उसके ऊपर मैंने डार्क पिंक कलर से अपने आउटर वी को और क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। अब
अब मैंने अपने फिंगर पे ही लिया है सेम ब्यूटी पहले से, गोल्ड कलर मेरे पास उसमें पड़ा हुआ था दोस्तों, और फिंगर से बस मैंने इसको फटाफट अप्लाई कर लिया है। फिंगर पे भी कलर पिगमेंट बहुत अच्छे से आ जाता है, और हमें जल्दी ही आई मेकअप करना था, और बस एक बार मैंने लास्ट में ब्रश से इसको इस तरीके से सेट कर दिया है ताकि कोई हार्श लाइन वगैरह ना दिखाई दे, और हमारा आई मेकअप मोस्टली डन। अगर मुझे थोड़ा सा गोल्डन कलर कम दिख रहा था तो मैंने फिर फिंगर से थोड़ा सा और गोल्डन कलर इसके ऊपर लगा दिया। अब मैंने लिया है लैक्मे का लाइनर, और एक पतली सी बस मैं इस तरीके से पतला सा लाइनर ड्रॉ करूंगी, और अब लाइनर लगाने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपनी रियल लैसेस को इस तरीके से इनको कर्ल, और अब मैं इनके ऊपर फोल्स लैसेस लगाऊंगी दोस्तों। वो टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप पूजा में हैं, बिजी हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं फोल्स लैसेस को लगाना, लेकिन मुझे पूरा मेकअप लुक आपके सामने कंप्लीट करना है तो मैं इनको वियर करूंगी फोल्स लैसेस को। उससे पहले मैं कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का वाटरप्रूफ, मेरे पास ये मस्कारा है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का मस्कारा है दोस्तों ये। उससे पहले मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों को कर लिया है काजल, और काजल दोस्तों मैंने LA 18 का भी मंगाया है, और ये बहुत ही सस्ता, आई थिंक 75 या 80 का मुझे पड़ा है, लेकिन इसका कलर पिगमेंट बहुत अच्छा है। अपनी लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे लगाने के बाद मैंने हल्का सा पिंक कलर लेके एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपनी वाटर लाइन के नीचे भी इस तरीके से लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा फेस पाउडर फिर लगाएंगे क्योंकि बेस हमारा बहुत लाइट है। तो अब दोस्तों मैंने लिया है, ये मेरे पास शुगर का ही पड़ा हुआ था, इसी के अंदर हाइलाइटर भी है, ब्लशर भी है और कॉन्टोर पाउडर भी है। तो अब मैं ये अपने फेस को कर रही हूँ लाइट सा कॉन्टोर, जो लाइन के नीचे और इधर चीक्स पे, और अब मेरा फेस फिर थोड़ा पतला हो गया है तो मैं लाइट कॉन्टोर ही कर रही हूँ दोस्तों, और ये नोज पे भी मैंने कॉन्टोर कर लिया है, फोरहेड पे, आप देख रहे हैं दोस्तों कॉन्टोर के बाद हमारे फेस स्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्टोरिंग फेस को करना, क्योंकि यही हमारे फेस को इतना कट दे देता है ना, शार्प कट दे देता है कि हम जो मेकअप करते हैं कॉन्टोर के बाद उभर कर आने लगता है। अब मैंने अपने कॉन्टोर को सेट कर लिया है, और अगेन मैंने प्रेस पाउडर लेके हल्का सा कॉन्टोर के नीचे इस तरीके से लगा लिया है। अब मैं करूंगी अपने ब्रोज को फाइनल, और मैंने लिया है ये जेल लाइनर, और वो भी ब्राउन कलर का। मैं कभी भी ब्लैक कलर से अपने ब्रोज को फाइनल नहीं करती, और आज मैं कोई बहुत ज़्यादा लुक ब्रोज पे नहीं देने वाली हूँ क्योंकि ये पूजा लुक है तो इतना टाइम नहीं होता, मैं फटाफट एक मिनट के अंदर अपनी ब्रोज को इस तरीके से फाइनल कर लूँगी। जहाँ पे ब्रोज में बाल कम होते हैं अपनी ब्रोज को मैंने कर लिया है फाइनल, और लास्ट में बस मैं इनको कर रही हूँ सेट। अब फेस पे देख रहे हैं दोस्तों मेकअप जो मैंने बेस बनाया है बहुत ही सिंपल, जैसे हम दिन में रहते हैं अपने घर में, सिर्फ ग्लो के लिए मैंने पतला सा सिंपल सा एक बेस बनाया है, इसीलिए मैंने डीडी क्रीम या सीसी क्रीम से मैं मेकअप लुक कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैंने अपने ब्रोज को कर लिया अच्छे से टचअप, इनके नीचे भी मैंने लगा लिया हाईलाइटर, और अपनी आईज के इनर कॉर्नर पे भी मैंने लगा लिया है हाईलाइटर। अब मैंने ली है शुगर की लिपस्टिक, और ये मेरे पास मिनी लिपस्टिक है शुगर की 07 रीथिंग पिंक, और बहुत अच्छा इसका पिंक शेड है, और उसी में से मैं ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि समर सीजन में आप अगर लिपस्टिक का, वो भी लिक्विड लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा दिन भी आपका ये वाला स्टेप जो आप कर रहे हैं ब्लशर, ये बिल्कुल भी ना फैलेगा, ना इसमें से पाउडर जैसा दिखेगा, ना स्वेटिंग के बाद ये खराब लगेगा, ये बड़ा अच्छा लुक आता है इसका। और ये मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, और मैं एप्पल 6 पे बहुत ही लाइट लाइट हाइलाइटर इससे कर रही हूँ दोस्तों।
हाइलाइटर एरिया में मैंने किया है हाइलाइट, नोज़ पे एप्पल चीज, और बहुत ही मिनिमाइज हाईलाइट किया है। बस मेकअप को मैं फिक्स करूँगी। अगर आप पूजा वगैरह में बैठते हैं या कहीं पूजा में जा भी रहे हैं तो स्वेटिंग के कारण आपका मेकअप बेस हिलने लगता है, तो ये मेकअप फिक्सर उसको बहुत देर तक आपके सेट रखता है। मेरे पास स्विस ब्यूटी का, एन बाई बे का, एन वाई सी का कई सारे हैं, उनमें से ही एक मैंने यूज़ किया था, सॉरी इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लिपस्टिक का नाम मैंने जो बताया, जो ब्लशर में यूज़ करी थी, 07 रीथिंग पिंक शुगर की मिनी, तो बहुत अच्छा पिंक शेड है। क्योंकि आई मेकअप हमने सिर्फ एक मिनट के अंदर कंप्लीट किया है, तो फोटो को पे हम थोड़ा सा ब्राइट कलर पिंक लगाएंगे। पिंक और गोल्डन ही मैं आज साड़ी वियर करने वाली हूँ। ये मैंने लगा ली है बिंदी, और पूजा में हम लोग बैठेंगे तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी जाती है, कि सिंदूर वगैरह आपका पूरा पूजा में अगर बैठ रहे हो आप तो एक प्रॉपर लुक के साथ आप बैठें। तो कानों में मैंने पहन ली है झुमकी, बाल मैंने सिंपल मैसी बन बना लिया है, पीछे ऐसे ही बांध के बस सिंपल मैसी बन बनाया है, ये मेरा है पूरा लुक। हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, गले में बस मैंने एक पतला सा मंगलसूत्र पहना है, और कानों में झुमकी। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मिनट के अंदर मेरा पूरा ये लुक आ गया है। तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके की पूजा में जाना है, ट्रेडिशनल लुक में जाना है, देन फॉलो ये वाला लुक। और ये वाले लुक में आप बेहद अच्छी भी लिखेंगी, डिसेंट, और एकदम से आप पे इंडियन लुक भी आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा लुक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।